वेलकम बैक टू अवर चैनल बारकोड गाइस। हमारी लेक्चर सीरीज चालू है जो कि है सीकैट एग्जाम पर, जो कि सीडैक की एंट्रेंस एग्जाम है, और आज हम सही मायनों में इसका शुभारंभ करने वाले हैं। तो आज हम देखेंगे बेसिक्स ऑफ सी, जो कि सी प्लस प्लस का भी बेसिक्स है, क्योंकि सी खुद ही सी प्लस प्लस का मतलब एक सोर्स है जहां पर सी प्लस प्लस इन्वॉल्व हुई है। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहली जो टर्म आपको रखनी है वो है आइडेंटिफायर। आइडेंटिफायर मतलब क्या होता है? कोई भी नाम होता है जो आप किसी भी फंक्शन को, वेरिएबल को या फिर मैक्रोस को देते हैं। अभी वेरिएबल, फंक्शन, मैक्रोस क्या है वो हम आगे लेक्चर में देखेंगे, लेकिन आइडेंटिफायर जो है आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि आइडेंटिफायर जो है वो नाम है। और आइडेंटिफायर रखने की कुछ रूल्स होते हैं। पहला रूल ये है कि स्पेसेस नहीं हो सकते। दूसरा रूल ये है कि स्टार्ट कभी भी नंबर से नहीं हो सकता। तीसरा रूल ये है कि कोई भी स्पेशल कैरेक्टर आइडेंटिफायर में आना नहीं चाहिए, मतलब एट द रेट सिम्बॉल, एंड परसेंट का सिम्बॉल, परसेंट का सिम्बॉल, ठीक है, एक्सेप्ट अंडरस्कोर। आप अंडरस्कोर का यूज कर सकते हैं, लेकिन उसके अलावा कोई भी स्पेशल कैरेक्टर का यूज आइडेंटिफायर में अलाउड नहीं है। अभी आइडेंटिफायर रखता कौन है? आइडेंटिफायर रखते हैं हम जो कोड कर रहे हैं। अगर लेट से आपको किसी वेरिएबल का नाम रखना है आई या फिर नंबर, तो आप चाहे तो नंबर रख सकते हैं। अगर मुझे पसंद है आई तो मैं आई रखूंगा। तो ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। आइडेंटिफायर मतलब किसी भी वेरिएबल, फंक्शन और मैक्रोस का नाम है। ओके, अब आगे का जो मतलब टॉपिक है वो है कीवर्ड। अब आइडेंटिफायर और कीवर्ड में डिफरेंस क्या है? अब जैसे कि ट्रेन होती है या फिर बस कह लीजिए, बस में दो सीट्स हमेशा रिजर्व रहेंगे। वो दो सीट्स होंगे, एक होगा कंडक्टर का और एक होगा ड्राइवर का, राइट? तो वैसे ही हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कुछ वर्ड्स उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए ही रिजर्व होते हैं, मतलब जो हम नॉर्मल यूजर यूज नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल सी में जैसे कि प्रिंटिफ हो गया, ओके, तो हम printf को यूज नहीं कर सकते। मतलब आप ये नहीं कह सकते कि मैं अपने वेरिएबल का या फिर फंक्शन का नाम printf रख दूंगा, ठीक है? printf मतलब वो जो फंक्शन होता है वो ऑल स्मॉल होता है, राइट? तो आप वो ऑल स्मॉल कहीं पर भी यूज नहीं कर सकते, वो अलाउड नहीं है। तो वो ये जो कीवर्ड है वो रिजर्व होते हैं। जैसे उसके कीवर्ड के एग्जाम्पल क्या है? इंट, फ्लोट, etc, ओके? तो इन कीवर्ड्स को, मतलब जो वर्ड्स रिजर्व होते हैं जो आप खुद यूज नहीं कर सकते, उन्हें कीवर्ड बोलते हैं। और सी में ऐसे टोटल 32 कीवर्ड्स है। ये लैंग्वेज टू लैंग्वेज डिफर करते हैं थोड़े बहुत, ओके? आफ्टर दैट डेटा टाइप्स। सो देयर आर मेनली टू टाइप ऑफ डेटा टाइप्स। पहले होते हैं बिल्ट इन और दूसरे होते हैं यूजर डिफाइंड। बिल्ट इन में भी टाइप आते हैं। बिल्ट इन में जो एक सेक्शन आता है वो है प्राइमरी वाला और दूसरा सेक्शन है वो है डिराइव वाला। प्राइमरी में तीन टाइप है, कैरेक्टर मतलब ABCDEF, ओके? उसके बाद आता है इंटीजर, इंटीजर मतलब 0 to 9, और डबल फ्लोट मतलब पॉइंट वाले नंबर्स, ओके? ये सब जो होते हैं वो डेटा टाइप्स है प्राइमरी टाइप के। डेराइव क्या है? डेराइव है पॉइंटर और एरे। पॉइंटर इनमें से हर एक टाइप का हो सकता है। पॉइंटर कैर टाइप का भी हो सकता है, इंट टाइप का भी हो सकता है, फ्लोट टाइप का भी हो सकता है। पॉइंटर क्या है ये हम आगे देखेंगे, ओके? पॉइंटर एड्रेस होता है किसी भी वेरिएबल का। और एरे क्या है? एरे जो है वो इनमें से किसी भी एक डेटा टाइप का मतलब ऐसा सेट है, एक साथ बहुत सारे, ठीक है? तो उसे कहते हैं पॉइंटर, सॉरी एरे। मतलब लेट से अगर आपको 10 कैरेक्टर चाहिए एक साथ, मतलब वो एक के पीछे एक आने चाहिए, तब हम यूज करेंगे एरे का। सेम चीज इंटीजर एरे के लिए, सेम चीज डबल या फिर फ्लोट एरे के लिए। उसके बाद आता है यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स। उसमें आते हैं स्ट्रक्चर, यूनियन और एन्यूमरेटर। स्ट्रक्चर, यूनियन और एन्यूमरेटर हमारी सीरीज में आगे आएंगे, तब आप उन्हें बहुत अच्छे से समझ पाएंगे, क्योंकि अगर मैं आपको यहाँ पर बता दूंगा तो आपके लिए बहुत कन्फ्यूजन हो जाएगा। बस ये याद रखिए कि यूजर इन्हें अपने हिसाब से डिजाइन कर सकता है। और ये जो यूजर डिफाइंड डेटा टाइप होते हैं, तो इनमें कौन से, मतलब जो बेसिक डेटा टाइप होते हैं वो इन्हीं चारों का यूज करके किए जाते हैं, ठीक है? मतलब ऐसा नहीं कि वो बहुत ही कुछ अलग चीज है, इट्स जस्ट दैट कि वो बहुत ही ज्यादा स्पेसिफिक होते हैं। तो लेकिन उनका जो बिल्डिंग स्ट्रक्चर होता है, मतलब जो यूनिट होता है, वो इन्हीं तीनों में के साथ, मतलब वो इन्हीं तीनों को यूज करके बनाया जाता है, ओके? डेटा टाइप्स हो गए। अब हमारा नेक्स्ट चैप्टर है इनकी साइज, ओके? अब इनकी इंट जो डेटा टाइप है उसकी साइज होती है 2 बिट या फिर 4 बिट, ओके? 2 बाइट या फिर 4 बाइट। 2 बाइट कब? अगर 32 बिट सिस्टम है तो 2 बाइट, और अगर 64 बिट सिस्टम है तो 4 बाइट।
नॉर्मली सीडैक में 32 बिट सिस्टम या फिर 64 बिट सिस्टम वो बता देते कि आपको कौन सा यूज करना है, लेकिन अगर नहीं बताया तो 32 बिट सिस्टम के साथ ही जाना है, और अगर इंट का साइज पूछा तो बताना है 2। ओके, अब एक कैलकुलेट कैसे किया जाता है वो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। अब इंटीजर, इंटीजर कितने का है, 2 बाइट का या फिर 4 बाइट का, ठीक है, 4 बाइट। जस्ट अ मिनट, मैं एक कैलकुलेटर खोल लेता हूँ जिससे थोड़ी आसानी होगी। ओके, अब अगर आप देखें तो ओके, यहाँ पर पावर का सिंबल ही नहीं है। ओके, जस्ट लीव इट। तो हमें 4 बाइट का इंटीजर दिया है, राइट, या फिर 2 बाइट का ले लेते हैं। अब 1 बाइट में कितने बिट्स होते हैं, 1 बाइट्स में ऐसे छोटे छोटे 8 बिट होते हैं, करेक्ट। तो 1 बाइट में 8 बिट, और हर बिट, 1 बाइट में 8 बिट होते, और हर बिट 2 वैल्यूज ले सकता है, 0 और 1। मतलब उसके पॉसिबल कॉम्बिनेशंस कितने आ जाएंगे, 2 टू द पावर 16, राइट। और आप जब आप 2 टू द पावर 16 निकालोगे तो वो 32 नहीं आता, वो कुछ आता है 64 समथिंग। ओके, 64,000 वो समथिंग आता है, लेकिन क्योंकि इंटीजर नॉर्मल टाइप का है तो इंटीजर पॉजिटिव भी हो सकते हैं और निगेटिव भी हो सकते हैं, तो इसमें से जो आधे है, 64 के आधे डिवाइड बाय 2, वो पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए है, और इसके आधे -1 जो है वो निगेटिव इंटीजर्स के लिए। अगर आप देखेंगे यहाँ पर फाइनल 2 डिजिट है 68, और यहाँ पर फाइनल 2 डिजिट है 67। सेम गोज फॉर ये 4 बिट वाले इंटीजर के लिए। अब शॉर्ट इंट क्या है, शॉर्ट इंट जो है वो होते हैं, मतलब उनकी साइज कम होती है, सिर्फ उनकी जो कैपेसिटी होती है, मतलब आप अगर शॉर्ट इंट करोगे तो उसकी साइज परफेक्टली 2 बाइट ही होगी, उससे ज्यादा उसकी साइज होगी नहीं। मतलब लेट से आपको पता है कि आपको उतनी ज्यादा यूज पड़ने ही नहीं वाली है, मतलब ये कब यूज होता है, अगर आप बहुत ही मेमोरी कंस्ट्रेंट कोई काम कर रहे हैं या फिर प्रोग्रामिंग में, तो वहां पर शॉर्ट इंट यूज होता है। पेपर में क्या आएगा, पेपर में वो बस आपको बोल देंगे कि भाई इतने इतने एलिमेंट दिए, ये सबने कितनी मतलब साइज कंज्यूम की है वो बता दो, तो ठीक है। तो फिर जब भी शॉर्ट इंटीजर दिखेगा तब आप उसकी साइज लेंगे 2, ठीक है। उसके बाद आता है अनसाइंड शॉर्ट। साइंड और अनसाइंड, इन दोनों में क्या डिफरेंस है, साइंड मतलब निगेटिव और पॉजिटिव दोनों, ठीक है, लेकिन अनसाइंड मतलब होता है सिर्फ पॉजिटिव। ये जो मैंने 64 बोला था, ये एक्चुअली 64 नहीं, 65 आता है, 65536 आएगा, क्योंकि ये 0 से स्टार्ट है तो 535 तक ही आता है। तो इसको जब आप 2 से डिवाइड करोगे तो ये आपको ये 2 नंबर मिलेंगे इनमें से एक, तो जिसकी वजह से अनसाइंड शॉर्ट मतलब उसमें निगेटिव नंबर्स नहीं आएंगे, 0 से लेके पॉजिटिव इंटीजर्स 65535 तक। उसके बाद आता है लॉन्ग इंट, जो कि होता है 4 बाइट का, या फिर साइन लॉन्ग इंट। ओके, उसके बाद आता है अनसाइंड लॉन्ग इंट। आपको अब तक समझ में आ गया होगा कैसे होता है, वही कैर का साइज होता है 1, अनसाइंड कैर का भी होता है 1, फ्लोट का साइज होता है 4, और डबल का होता है 8, और लॉन्ग डबल का होता है 10। अगर आज जस्ट इन केस आपको नहीं पता तो इंटीजर मतलब क्या, इंटीजर मतलब सारे नंबर्स विदाउट पॉइंट्स। ओके, मतलब वहां पर पॉइंट्स नहीं आएंगे, पूरे के पूरे नंबर्स होंगे, जैसे कि 1 2 3 4 हो गया। कैर मतलब क्या, कोई भी लेटर्स या फिर स्पेशल कैरेक्टर वो कैर के अंदर आता है। फ्लोट मतलब क्या, पॉइंट वाले नंबर, ठीक है, मतलब 3.4 हो गया, 3.7, 5.2, ये सब जो होंगे वो फ्लोट में आएंगे। और अगर वो पॉइंट वाले नंबर का भी आपको रेंज बढ़ाना है तो वो आता है डबल में। ओके, सो इसके अगले में ASCII कोड्स के बारे में बता देना चाहता हूँ आपको। अब जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में देखा था कि ASCII कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर को सिर्फ एक ही भाषा समझ में आती है, वो है मशीन लेवल लैंग्वेज, और वो क्या होती है, वो सिर्फ नंबर्स होते हैं, मतलब कंप्यूटर को सिर्फ नंबर समझ में आते हैं, ठीक है। तो जब ये लैंग्वेज डिजाइन की जाती है तो फिर हर एक मतलब सिंबल या फिर लेटर के लिए एक नंबर असाइन किया जाता है, और उसे बोला जाता है ASCII कोड। जैसे ए के लिए है 65 और जेड के लिए है 90। अब बी के लिए क्या होगा, 65 + 1 = 67, सी के लिए होगा 68, डी के लिए होगा 69। अब वैसे ही स्मॉल ए टू जेड के लिए ये ASCII कोड है, और 0 to 9 digit के लिए ये ASCII कोड है। मैं आपको एक बार इसका कोई कोड करके बताता हूँ, जस्ट गिव मी मिनट। मैं आपको इसका जेड से कोड करके बताता हूँ जिससे आप समझ जाएंगे, और आपको वो कोड देखने की आदत भी रहेगी, ठीक है।
जस्ट गिव मी अ मोमेंट. ओके तो ठीक है, लेट्स से मुझे यहां पर प्रिंट कराना है कैरेक्टर. ओके तो कैरेक्टर प्रिंट कराने के लिए परसेंट सी डालना पड़ेगा. ये मैं आपको बताऊंगा कि परसेंट सी परसेंट डी ये क्या होता है, ठीक है. उसके बाद हमें प्रिंट कराना है. अब देखिए इनका यहाँ पर कहना क्या है कि जब जब भी मैं, मतलब ए का जो कोड है वो है 65, ठीक है. तो मुझे क्या प्रिंट कराना है, ए प्रिंट कराना है, राइट, कैरेक्टर. और वो मुझे किस वैल्यू से प्रिंट कराना है, अगर मैं यहाँ पर 65 डालूंगा तो मेरा मानना यह है कि मुझे ए प्रिंट हुआ दिख जाना चाहिए. तो ठीक है इसे एक बार रन कर लेता हूं मैं. अब अगर आप यहां पर देखेंगे तो मुझे मिल चुका है कैपिटल ए. अब सेम चीज अगर मैं यहां पर 66 लगाकर करता हूं तो मुझे बी मिल जाना चाहिए, कैपिटल बी, तो वो भी मुझे मिल रहा है. अब लेट्स से मैं थोड़ा सा उल्टा करने की कोशिश करता हूं तो क्या वो मिलेगा या नहीं, मैं आप पर छोड़ता हूं. आप एक बार ट्राई कीजिए, आता है या नहीं देखिए और कमेंट सेक्शन में बताइए, ठीक है. उसके बाद जो नेक्स्ट सेक्शन है, यहाँ पर मैंने कुछ कोड के स्निपेट लगा रखे हैं जिससे आपको हेल्प होगी नोट्स में, ठीक है. अब आगे वेरिएबल्स. वेरिएबल रिप्रेजेंट सम मेमोरी लोकेशन फॉर स्पेसिफिक डेटा टाइप. उसके बाद वेरिएबल स्टोर डाटा ऑफ इट्स ओन डेटा टाइप. मतलब आपको सबसे पहले वेरिएबल बताना होगा कि कौन से टाइप का है. वेरिएबल कौन कौन से टाइप का हो सकता है, इंटीजर टाइप का हो सकता है, फ्लोट टाइप का हो सकता है, या फिर कैरेक्टर टाइप का हो सकता है. लेट से आपने इंटीजर टाइप का वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया, ठीक है. तो वो क्या करेगा, उसे तो समझ में आ नहीं रही, तो वो क्या करेगा, अगर लेट से आप उसमें फ्लोट या फिर कैरेक्टर डालने की कोशिश करते हो तो वो प्रोग्राम आपको देगा एरर, या फिर क्या करेगा वो खुद को, वो उस आपने जो नंबर या फिर कैरेक्टर दिया है उसको टाइपकास्ट कर लेगा, ठीक है. मतलब अगर आपने int टाइप का वेरिएबल बनाया है तो उसमें सिर्फ int की ही वैल्यू स्टोर हो सकती है. अगर आपने char टाइप का वेरिएबल बनाया है तो उसमें char की ही वैल्यू स्टोर हो सकती है. और अगर आपने float टाइप का बनाया है तो उसमें float की ही वैल्यू स्टोर हो सकती है. अब वेरिएबल को डिक्लेयर करने का सिंटेक्स क्या है, सबसे पहले लिखना होगा डेटा टाइप, फिर स्पेस देके लिखना होगा वेरिएबल का नाम जो भी आपको रखना है. और अगर आपको वेरिएबल को इनिशियलाइज भी करना है, लेट्स से मेरा मैंने एक num नाम का वेरिएबल लिया और मुझे उसे इनिशियलाइज करना है वैल्यू जीरो के साथ, तो मैं लिखूंगा डाटा टाइप, उसके बाद स्पेस देके उसका वेरिएबल नेम और उसके बाद उसकी वैल्यू. मैं आपको एक बार करके बताता हूँ, ठीक है. लेट्स से मुझे इन टाइप का एक वेरिएबल बनाना है जो जिसका नाम होगा नम, नम माने नंबर, ओके. और इसे एंड करने के लिए सेमी कॉलन लगा देंगे. अब ये डिक्लेयर हो चुका है, ठीक है. अब यह हो गया, लेकिन अब मुझे इसे इनिशियलाइज भी करना है. तो इसे इनिशियलाइज करने के दो तरीके हो सकते हैं. एक नीचे कर दूं मैं num इज इक्वल टू 65, मतलब num के अंदर ये जो 65 इंटीजर वाला है उसकी वैल्यू चली जाएगी. या फिर मैं क्या कर सकता हूँ, जब मैंने इसे डिक्लेयर किया मैं तभी इसे इनिशियलाइज भी कर सकता हूँ, num इज इक्वल टू 65 और उसके बाद सेमीकोलन, ओके. अब मैंने num इज इक्वल टू 65 रख दिया है, तो अगर मैं यहाँ पर ये 66 को मिटाकर यहाँ पर नम डाल दूंगा तो क्या होगा, इसको इसको एक बार रन करके देखता हूँ. देखिए 65 का ASCII कोड, मतलब 65 ASCII कोड है 1 के लिए. तो मैंने जब इसे बोला कि मेरे पास 65 नंबर है, लेकिन मुझे 65 के लिए, मैं एक कंपाइलर को बोल रहा हूँ कि मैं तुझे 65 नंबर दूंगा, लेकिन उसके लिए मुझे उसका, मतलब वो जो ओरिजिनल वैल्यू है तो इसको एज ए ASCII कोड मतलब ले, और उसके लिए जो कैरेक्टर है, ये सी मतलब क्या है, कैरेक्टर, तो वो क्या कैरेक्टर रिप्रेजेंट करता है वो मुझे बता, ठीक है. तो वो मुझे वो बता देगा. अब मुझे ए मिल चुका है नाउ. तो अब आगे देखते हैं आगे क्या है. दिस इज वेरिएबल, और इसे वेरिएबल क्यों कहा जाता है. लेट से मैंने इसमें अब 65 वैल्यू रखी है, राइट. अब मैंने इसे एक बार प्रिंट करा दिया. अब मुझे इसकी वैल्यू बदलनी है, नहीं मुझे एन 65 नहीं चाहिए, लेट से मुझे 70 चाहिए. तो मैं यहां पर कर दूंगा num इज इक्वल टू 70. एक बार तो डिक्लेयर हो चुका है इसलिए बार बार डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ अपडेट कर देंगे. और अगर हम इसे फिर से एक बार प्रिंट कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा, लेट्स सी. आप अंदाजा लगाइए तब तक, कमेंट में बताइए कि आपको क्या लगता है क्या मिलेगा दूसरे प्रिंट के लिए. पहले प्रिंट के लिए तो ए मिल गया, ठीक है, ये वाले 65 वाले प्रिंट के लिए, मतलब यहाँ पर उसकी वैल्यू 65 थी, तो यहाँ पर हमें क्या मिल गया, ए. और दूसरे प्रिंट के लिए क्या मिलेगा, दूसरे प्रिंट के लिए वैल्यू 70. अगर 65 के लिए ए है तो 66, 67 ऐसे अगर आप कंजक्यूटिवली जाएंगे तो 70 के लिए आपको मिलेगा एफ.
तो वहां पर ये प्रिंट हुआ है एफ, ठीक है। अब उसके बाद लेट्स सी व्हाट नेक्स्ट, क्योंकि इसकी वैल्यू बदलते हैं इसलिए इसे वेरिएबल कहा जाता है, ठीक है। अब उसके बाद आते हैं कॉन्स्टेंट्स। इंटीजर कॉन्स्टेंट कैन बी रिटन इन डेसिमल, हेक्साडेसिमल और ऑक्टल नंबर सिस्टम। अब इंटीजर कितने टाइप के होते हैं? इंटीजर तीन टाइप के होते हैं, डेसिमल, हेक्साडेसिमल और ऑक्टल, ठीक है। अब जो बाइनरी होते हैं वो इसमें इंक्लूड नहीं किए जाते। अब यहाँ पर एग्जाम्पल क्या क्या है उनके, 23 -45 0 65, ये जो आपको दिख रहा है ना, ये जस्ट गिव मी अ मोमेंट, ये 010। अरे यार एक मिनट, ये जो आपको दिख रहा है ना 0101, ये ऑक्टल है, ठीक है। मतलब ये ऑक्टल नंबर सिस्टम है। और ये 0 × 41x, जहां पर भी आपको ये एक्स दिखेगा ना, वहां पर समझ जाइए ये हेक्साडेसिमल है, ठीक है। अगर आपको नंबर सिस्टम नहीं पता तो प्लीज मुझे कमेंट्स में बताएंगे, मैं आपको नंबर सिस्टम क्या होती है वो एक्सप्लेन करने में एक वीडियो बना दूंगा। यूजिंग सम सफिक्स लेटर एट द एंड ऑफ इंटीजर कॉन्स्टेंट कैन गिवन अ स्पेशल मीनिंग टू इट। मतलब अगर आपने सिर्फ देखे 12 लिख दिया, ठीक है, तो 12 क्या है? इंटीजर है। तो इंटीजर का जो डिफॉल्ट साइज है 2 बाइट, वो उसे कंज्यूम कर लेगा। लेकिन क्या हो अगर मुझे 12 स्टोर करना है 4 बाइट साइज में कंपलसरी, ठीक है। अगर आपको ये करना ही है तो आप उसके लास्ट में क्या लिख देंगे? सिर्फ एल। ये एल क्या होता है? एल माने लॉन्ग। मतलब ये जो 12 है वो लॉन्ग इंटीजर टाइप का है और वो 4 बाइट्स को कंज्यूम करेगा, ठीक है। वैसा ही रिप्रेजेंट लॉन्ग इंटीजर कॉन्स्टेंट, 97U मतलब अनसाइंड वगैरह ये सब वो है। अब सिमिलरली फ्लोटिंग पॉइंट कॉन्स्टेंट का भी है। फ्लोटिंग पॉइंट कॉन्स्टेंट रिप्रेजेंट फ्रैक्शनल नंबर, दे कैन बी रिटन इन फ्लोटिंग पॉइंट फॉर्मेट, मतलब पॉइंट के हिसाब से लिख सकते हैं, या फिर एक्सपोनेंशियल फॉर्म, मतलब 1.24 × 10⁻¹। ये मतलब 10 कंसिडर कर लीजिए, 10⁻², 10⁻⁦, ऐसे। बाई डिफॉल्ट फ्लोटिंग पॉइंट कॉन्स्टेंट कंसिडर एज डबल टाइप। मतलब अगर आप कोई भी डेटा टाइप नहीं देंगे, मतलब आप लिख देंगे सिर्फ 2.7, तो वो उसे बाई डिफॉल्ट कंसिडर कर लेगा कि ठीक है ये तो डबल ही होगा, मतलब ये 8 बाइट कंज्यूम करेगा। लेकिन लेट से अगर कोई मेमोरी का कंस्टेंट है या फिर आप चाहते कि वो इतनी बाइट कंज्यूम ना करे, तो आप क्या करेंगे? उसे फ्लोट बना देंगे। और उसे फ्लोट बनाने के लिए आप लास्ट में क्या लिखेंगे उसके? सिर्फ ये एफ। ये एक एफ से पूरा का पूरा काम हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद कैरेक्टर कॉन्स्टेंट, कैरेक्टर कॉन्स्टेंट रिप्रेजेंट इन सिंगल कैरेक्टर, दे आर ऑलवेज इनक्लोज इन सिंगल कोट। मतलब अगर आपको कैरेक्टर कॉन्स्टेंट लिखना है तो उसे आप सिंगल कोट में लिखेंगे। लेट से मुझे ये ए लिखना है, तो मैं उसे ये दोनों सिंगल कोट के अंदर ही लिखूंगा। सी कंपाइलर ट्रीट कैरेक्टर कॉन्स्टेंट एज एन इंटीजर ऑफ इट्स आस्की वैल्यू। मतलब वो जो कंपाइलर है उसे ए से कुछ लेना देना नहीं है, वो ए को क्या करेगा? ए को बदल देगा उसके इक्विवेलेंट आस्की वैल्यू में, ठीक है। अब जैसे कि कैपिटल ए की 65 थी, स्मॉल ए की आई थिंक 97 कुछ तो होती है। देर आर सम एग्जाम्पल ऑफ कैरेक्टर कॉन्स्टेंट, ए इज कंसिडर्ड एज 65। देर आर सम स्पेशल कैरेक्टर यूज इन प्रोग्राम स्टार्टिंग विद, दे आर कॉल्ड एस्केप सिक्वेंस। अब हम एस्केप सिक्वेंस के बारे में पढ़ेंगे कि वो क्या होते हैं, ठीक है। एस्केप सिक्वेंस यानी क्या? अब जैसे कि पहला एस्केप सिक्वेंस है स्लैश एन। ये क्या होते हैं? ये कैरेक्टर कॉन्स्टेंट ही होते हैं लेकिन इनका कुछ काम होता है, वो कुछ अलग काम करते हैं, ठीक है। तो स्लैश एन का मतलब होता है न्यू लाइन, टेक कर्सर टू न्यू लाइन। अब अगर आप वो यहाँ पर देखेंगे, लेट से हमने यहाँ पर ये कोड किया था, राइट। अगर आपने देखा कि यहाँ पर हमने ए प्रिंट कराया, यहाँ पर हमने एफ प्रिंट कराया, तो वो एक दूसरे के आजू बाजू में आ गए, करेक्ट है। लेकिन लेट से कोई चाहता है एक बंदा कि मुझे पहले लाइन पर ए चाहिए और दूसरे लाइन पर एफ चाहिए, तो मैं क्या कर दूंगा? इसके बाद मुझे न्यू लाइन पे जाना है, राइट है। तो मैं क्या कर दूंगा? यहाँ पर बैक स्लैश, बैक स्लैश यानी जो डिवीजन का उल्टा डिवीजन होता है वो वाला, और एन। अब मैं जैसे इसे करूंगा तो ये क्या करेगा? ए के बाद की जो स्पेस है, मतलब वो जो पूरी लाइन है उसे खाली छोड़ देगा और कर्सर को नए पॉइंट पर लेके जाएगा। यहाँ पर नए पॉइंट पर, नए लाइन पर क्या हो रहा है? ये एफ प्रिंट करा रहा है। लेट्स सी, लेट्स टेक इट आउट, क्या होगा? देखिए ए पहले पर आ गया और एफ आ गया दूसरे पर। सिमिलरली अब वैसे ही दूसरा जो स्केप सीक्वेंस है वो है स्लैश टी। अब ये स्लैश आर वगैरह क्या है? वो जब आप मतलब कोई प्रोजेक्ट डायरेक्ट करने बैठेंगे तब यूज होंगे। मैं आपको यहाँ पर पॉपुलर पॉपुलर बता देता हूँ। एक है स्लैश टी, स्लैश टी मतलब टैप, टेक कर्सर एट कैरेक्टर्स अहेड।
मतलब क्या होता है, ये स्पेस देने के काम आता है। अब ऐसा नहीं कि अगर आप स्पेस देंगे तो वो काम नहीं करेगा। लेट से यहाँ पर ये स्लैश एन नहीं है, और अगर आपने 1 2 3 4 5 6 मतलब ऐसे कोई भी स्पेस दे दिया और अगर आपने इसे रन किया तो वहां पर स्पेस आएगा। लेकिन टैब का कुछ मतलब होता है, मतलब कि 4 स्पेस या फिर 6 स्पेस ऐसा कुछ तो भी सेट किया रहता है, हर एक कंपाइलर के हिसाब से अलग अलग। लेट से तो अगर मुझे यहाँ पर एक टैब का डिफरेंस देना है तो मैं यहाँ पर लिखूंगा बैक स्लैश टी, और जैसे मैं इसे रन करूंगा तो मुझे मिल जाएगा एक टैब का डिफरेंस उन दोनों के बीच में। ओके, स्लैश एन हो गया, स्लैश टी हो गया। अब आता है, लेट से मुझे ये स्लैश प्रिंट कराना है, ठीक है। अब अगर मैं सिर्फ ये स्लैश प्रिंट कराना चाहता हूँ, मतलब मैं चाहता हूँ कि एक के बाद, लेट से मैं आपको बताता हूँ कैसे, जस्ट गिव मी अ मोमेंट। ए के बाद मुझे चाहिए स्लैश और उसके बाद चाहिए एफ। अब ये मुझे प्रिंट कराना है, ठीक है। मतलब ये जो है पहली लाइन, ये मुझे एज अ आउटपुट चाहिए, ए स्लैश एफ, बैक स्लैश एफ। तो बैक स्लैश ऐसे डायरेक्ट तो प्रिंट होगा नहीं, क्योंकि उसका कुछ तो भी काम है। अब जैसे मैं इसे रन करने की कोशिश करूंगा तो मुझे मिलेगा एरर, ठीक है। देखिए यहाँ पर उसने कुछ एरर दे दिया कि ये काम नहीं करने वाला, ठीक है। तो अब इसे ठीक करने के लिए क्या करना पड़ता है, तो मैं चाहता हूं कि इस स्लैश को स्लैश की तरह इस्तेमाल ना किया जाए, तो मैं इसके पहले एक और स्लैश लगा दूंगा, ठीक है। अब इससे क्या होगा, मतलब ये ऐसा है कि हम वो स्कूल में थे तब हम वो निगेटिव सेंटेंस नहीं बनाते थे, मैं स्कूल नहीं जाऊं, मतलब मैं स्कूल जाने वाला हूं, मैं स्कूल नहीं जाऊंगा, ऐसा नहीं हो सकता, दैट काइंड ऑफ थिंग। ओके, मानता हूं बड़ा बेकार एग्जाम्पल था, लेकिन आप समझ लीजिए। आप तो स्लैश को स्लैश ही कट कर सकता है। जस्ट गिव मी अ मोमेंट, क्या गलत हो गया। एक मिनट, बैक स्लैश सही तो है। ओके ओके ओके, ये जो हमने ऊपर लिखा है ये प्रॉब्लम है, उसका कोई मतलब नहीं है ना, तो उसे हमें कमेंट आउट करना पड़ेगा। जस्ट मोमेंट, इसे कमेंट कर देता हूं मैं ए, या फिर मिटाई देता हूं ना, उसका कोई काम नहीं है। क्योंकि अब जैसे ही मैं इसे रन करूंगा तो मुझे मिल जाएगा एस स्लैश एफ। अब अगर आप पूछेंगे तो वो गलत था तो इसलिए एरर आ रहा होगा, तो इस एक बार चेक कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर फिर से एरर आ रहा है कि टर्मिनेटिंग मिसिंग कैरेक्टर। ओके, तो अगर मुझे बैक स्लैश प्रिंट करवाना है तो यहाँ पर मुझे देना पड़ेगा बैक स्लैश स्लैश, ठीक है। आई थिंक इट्स क्लियर नाउ। अब उसके आगे का देख लेते हैं एक बार। स्लैश टी हो गया, स्लैश भी मतलब बैक स्पेस, ए मतलब अलार्म। अब ये कोई एप्लीकेशन वगैरह में यूज होगा तभी उसका काम होगा, ऑक्टल आस्की के लिए ये है, हेक्सा आस्की के लिए ये है, ठीक है। अब उसके बाद जो नेक्स्ट है, यहाँ पर मैंने कुछ कोड दिखा रखे हैं। अब हेलो वर्ल्ड को प्रिंट कराना है, अगर आप हेलो वर्ल्ड के बीच में स्लैश एंड डाल देंगे तो हेलो वर्ल्ड न्यू लाइन पर चला जाएगा। वैसे ही अगर आपको स्लैश प्रिंट कराना है, अगर आप सिर्फ स्लैश देंगे तो वो एरर दे देगा, लेकिन अगर आपको स्लैश प्रिंट कराना है तो आप उसको डबल स्लैश लिखना पड़ेगा, फिर वो करेगा एक स्लैश को प्रिंट, ठीक है। नाउ जस्ट अ मोमेंट, लेट से मुझे 2 स्लैश प्रिंट कराने, तो मुझे क्या करना चाहिए। ओके, ये मेरा क्वेश्चन है, मुझे 2 स्लैश प्रिंट कराने वाले हैं। अब मुझे लगता है आपको ये तो पता चल गया कि मुझे एक स्लैश प्रिंट कराना है तो 2 स्लैश का इस्तेमाल करना पड़ेगा, राइट। मुझे एक स्लैश प्रिंट कराना है तो 2 स्लैश का इस्तेमाल करना पड़ेगा। ओके, टू मैनी आर्गुमेंट, ओके ये नम भी मिटाना पड़ेगा, सॉरी। मुझे अगर एक बैक स्लैश प्रिंट कराना है तो मुझे 2 लिखने पड़ेंगे। लेट से मुझे 2 बैक स्लैश प्रिंट कराने वाले हैं तो क्या होगा, ठीक है। तो आप सोचिए, आप कमेंट में बताइए, तब तक मैं करके देखता हूँ, ठीक है। लेट से मैं ऐसा सोचता हूँ कि मैं यहाँ पर एक और बैक स्लैश देख के देखू, अगर मैं इसे रन करता हूँ तो मुझे एरर आ रहा है, ठीक है। क्योंकि इस बैक स्लैश ने, आप इसको ऐसे समझे कि हमें कुछ पॉजिटिव प्रिंट करना है और हमारे पास सब के सब निगेटिव है, ठीक है। तो इन दोनों निगेटिव का मल्टीप्लीकेशन तो आ गया पॉजिटिव, लेकिन ये तीसरे निगेटिव ने आके मतलब ऐसी गंदगी मचा दी, ठीक है। तो इसको कैंसिल करने के लिए हमें फिर से क्या करना पड़ेगा, एक और बैक स्लैश, एक और बैक स्लैश लगा देंगे, सॉरी, एक और बैक स्लैश लगा देंगे तो ये दूसरा वाला भी बैक स्लैश का जो इफेक्ट है वो खत्म हो जाएगा। मतलब 2 बैक स्लैश के लिए 4, तो 3 बैक स्लैश प्रिंट कराने के लिए हमें 6 बैक स्लैशेस लिखने पड़ेंगे, ठीक है। सो आई होप दैट्स क्लियर फॉर यू। दैट्स इट फॉर टुडे।
ये जो चैप्टर है ये थोड़ा सा बड़ा है, तो इसके लिए ये कंप्लीट करने में हमें वक्त लगेगा। तो आई विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, टिल देन, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो रहा है। आई विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, बाय।